जम्मू कश्मीर के उरी में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। लगातार ऑपरेशन यहां पर जारी बताया जा रहा है। कठुआ एनकाउंटर मामले में आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार। मामले की जांच SIA को सौंपी गई है। मुठभेड़ के दौरान सेना ने ढेर किए थे 2 आतंकी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने IED से उड़ाया पुलिस ट्रक। 2 जवान शहीद, कई घायल। घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया था। राशन लेकर कैंप की ओर जा रहा था पुलिस ट्रक। यूपी में समीक्षा अधिकारी पेपर लीक में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में SCF का बड़ा खुलासा। कहा, भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने लीक किया था पेपर। परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के आज केंद्र के उच्च स्तरीय पैनल की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक समिति को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। नीट UG परीक्षा की धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट परीक्षा रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की है मांग। संसद में आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। पहले 2 दिन प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सबसे पहले PM मोदी बतौर सांसद शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के बीड में शातिर चोरों ने महज 2 मिनट में उखाड़ लिए पूरा ATM। आरोपी ATM को पिकअप पर लाद कर फरार हो गए। 61 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने बरामद किया ATM। सिक्किम में सेना ने 150 फीट लंबा पुल बनाया। भारी बारिश के बाद उत्तरी सिक्किम ने बॉर्डर के गांव को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है। यूपी के कासगंज में चोरी के शक में बच्चे को 2 तालिबान दी गई तालिबानी सजा। दबंगों ने 2 बच्चों को रस्सी से बांधकर काटे सिर के बाल और फिर दोनों बच्चों को रस्सी से बांधकर घुमाया। और दीवार पर सियासत लगातार अब देखने को मिल रही है। बिहार की अगर बात करें तो वहां से कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिस पर अब सियासत भी गरमा रही थी। पुल की बात बिहार में सामने आई, लेकिन अब अयोध्या लिए चलते हैं जहां पर दीवार गिरने पर सियासत देखने को मिल रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी, जिसके बाद तस्वीरें भी आप TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ वहां पर मंजर नजर आया। कांग्रेस ने BJP पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने BJP पर आरोप लगाया तो BJP की तरफ से भी पलटवार देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर दावा खारिज किया गया है और सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। इसके अलावा दीवार नए रेलवे स्टेशन का हिस्सा नहीं है, ये दावा किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो दीवार नए रेलवे स्टेशन का हिस्सा नहीं है, BJP की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। तो अयोध्या की ये वो तस्वीरें हैं जो रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां दीवार गिर गई, जिसके बाद पूरा सियासत का ये जो माहौल है वो खड़ा हो गया और सियासत भी तेज हो गई। अयोध्या में रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद एक दीवार बारिश और जलभराव के चलते गिर गई। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को जिस अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसी की दीवार गिरी है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने BJP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से वीडियो पोस्ट कर लिखा, BJP ने प्रभु राम की अयोध्या में भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल BJP के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है BJP के भ्रष्टाचार मॉडल ने क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद नहीं रखी। कांग्रेस की इस पोस्ट के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कहानी कुछ और नजर आ रही थी। दरअसल गिरी हुई दीवार नए स्टेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पुराने स्टेशन की थी। बताया गया कि एक व्यक्ति ने दीवार के पास खुदाई की और फिर वहां पर पानी जम गया, जिस वजह से दीवार गिरी। किनारा पूरा खोदा है ना बगल में, तो सपोर्ट नहीं, उसको सपोर्ट की वजह से झुक गया। बारिश की वजह से क्या हवा में चला ना, नीचे सपोर्ट नहीं है बगल में, इसलिए वो गिर गया। वो आंधी तूफान आए हैं, इस आंधी तूफानों में ये हमें लगता है कि बारिश से जो है वो सरक गई है, इस वजह से ये गिरी है। वही इस पूरे मामले पर रेलवे की भी सफाई सामने आई है।
डीआरएम नॉर्थ रेलवे लखनऊ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया है कि ये सूचित किया जाता है कि वीडियो में दिखाई गई दीवार मुख्य स्टेशन भवन का हिस्सा नहीं है बल्कि रेलवे और निजी भूमि के बीच है। ये दीवार दूसरे छोर से निजी लोगों द्वारा की गई खुदाई और निजी क्षेत्र में जलभराव के कारण ढह गई। रेलवे इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस रेलवे स्टेशन को मंदिर के तौर पर विकसित किया गया। दीवार गिरने की वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने साफ कह दिया कि जो दीवार गिरी है वो मुख्य स्टेशन की नहीं है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।